अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फिट पार्ट है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली जो वीडियो होगी वो फिटनेस के रिलेटेड होगी, तो यार पाकिस्तानियों में दो ही मसले हैं, वेट गेन नहीं हो रहा और वेट लूज नहीं हो रहा। अगर मैं इसको फर्दर कैटेगराइज करूँ तो ये मेरे पास जो मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि वेट लूज नहीं हो रहा। तो यार वेट लूज करना बहुत ईजी है, अगर जो मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ उस पर आप अमल करें। ये पहली टिप है, इस पर अगर आप अमल करते हैं तो मैं यकीनन आपको कहता हूँ कि एक महीने के अंदर आप अपना वेट जो है वो लूज कर लेंगे। आप देखिए, मैं किचन में खड़ा हूँ, हमारी आधी से ज्यादा चीजें जो हैं वेट लूज की वो इस किचन में पाई जाती हैं। तो वेट लूज करना इतना इशू नहीं है, ठीक है। मसला क्या होता है कि हम जो है बस वीडियो देखते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो इतना इजी काम है, इससे थोड़ी वेट लूज होगा। तो वेट लूज जो है वो वाकई जो है वो इजी है, बस हमारा जो है हमने जो चीज देखते हैं उस पर अमल करना है। तो जो चीज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो आप लाजमी करिएगा। हाँ जी, तो जो मैं टिप आपको बताने चाह रहा हूँ वो आपने लास्ट भी करनी है, ठीक है। एक मंथ इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखिए, मैं ये यकीनन कहता हूँ कि आपका जो वेट है वो लूज हो जाएगा। तो वेट लूज हम कैसे कर सकते हैं, इसके थ्रू, ठीक है। ये है मेरे पास वेट लूज के लिए बेस्ट। अगर आप इसके बेनिफिट देखें, मैं आपको इसके बेनिफिट बताने पे आऊं तो तकरीबन सारी वीडियो जो है वो इसके बेनिफिट पे गुजर जाएगी, लेकिन मैं आपको इसके मेन बेनिफिट बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि ये वेट लूज के लिए बेस्ट पैक है, ठीक है, विटामिन सी का बेस्ट पैक है। और दूसरा ये कि इसमें जस्ट लाइक मेरे पास जिनको स्किन के इश्यूज है कि मुझे स्किन एलर्जी हो जाती है और ये जो चीजें, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपके वो सारे जो इश्यूज हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर आपको किडनी में स्टोन का इशू है तो फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, वो आपका जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात मेरे पास ये है कि आपको हाइड्रेशन जो है, पानी की कमी, ये खत्म करता है। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ये वीडियो लाजमी पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि वेट जो लूज है वो कैसे हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या, ऑफिस में हम बैठे होते हैं, खाना खाए उधर ही बैठ गए, रात को थके हुए आए, खाना खाया उधर ही सो गए, तो हमारी बॉडी पे ना फैट आ जाता है काफी ज्यादा। तो उस फैट को हम दूर करने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वो जिम ज्वाइन करते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा जो वेट है वो लूज नहीं हो रहा, क्योंकि हम इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करते। हमने क्या करना है, इसको इस्तेमाल करना है, और कैसे इस्तेमाल करना वो आपको मैं तरीका बताता हूँ, आइए मेरे साथ। हाँ जी, तो करना क्या, आपने सबसे पहले ये मेरे पास दो ग्लास पानी है, ठीक है, ये आपने गर्म कर देना, ठीक है। गर्म किस तरह करना, आपने ऐसे करना है कि अगर मेरे पास फिल्टर पानी है, ठीक है, तो 10 से 15 मिनट के लिए गर्म करना, और अगर आप नलके का पानी ले रहे हैं तो आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको अच्छी तरह बॉयल करना है ताकि इसके जो जम्स हैं वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, मैंने जो है वो पानी गर्म रख दिया है, तो अब इसको 15 से 20 मिनट जो है वो बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि आप पानी जो है वो बॉयल होने लग गया, तो अब जो है वो मैंने नींबू जो है इसमें छोड़ना है। अगर तो इस तरह का बड़ा नींबू है तो एक नींबू लेना है आपने, अगर छोटे हैं तो दो नींबू लेने हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको कट करके पानी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये जो है मेरे पास, अब ये क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है तो ऐसे हमने नहीं पीना, इसको नीम गर्म पीना हमने। नीम गर्म का मतलब ये है कि जिसको हम यूज जो गर्म में बोला जाता है कोसा कोसा, ठीक है, कि ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। तो यही जो है आपके पास, ये जो पानी है इसको हम नींबू पानी कहेंगे आम अल्फाज में। ये दो चीजें सिर्फ मिलानी है, बाकी जो भी चीजें हैं उनको साइड पर रख दें, पानी, नीम गर्म पानी और नींबू। अब ये हम पियेंगे और एक महीने तक आप देखिएगा क्या रिजल्ट आपके सामने होगा, वेट लूज आपका कितनी जल्दी जो है वो होता है। ये पानी नीम गर्म हो चुका है तो अब इसको पीते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप नींबू पानी जैसा इसका टेस्ट है, बिल्कुल आपने नीम गर्म करके पीना है इसे, ठीक है, बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीना। देखते हैं कि दो ग्लास पानी लिया था तो बॉयल करने की वजह से अप्रोक्सीमेटली भी 1.5 ग्लास रह गया।
उसके बाद जो है वो मैं यूजली निकल जाता था वर्कआउट के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अब जैसी कंडीशन आपको पता है सारी कि घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं जो भी मामला है, तो आपने क्या करना है, आपके पास घर में जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं वर्कआउट के लिए, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना, थोड़ा सा वर्कआउट मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये पानी पीने के बाद, हाँ, ये आपने निहार में पीना है, ठीक है। निहार में मतलब ये है कि कुछ खाए पिए वगैरह आपने दांत साफ किया और इसको पानी को पी लेना, फिर ये जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वेट लॉस में भी करेगा। और मेन जो इसका फ़ायदा था, बेनिफिट था, वो मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आपका स्टमक इशू है, ठीक है, जैसे लाइक कोई भी स्टमक का इशू है, फास्ट फूड खा खा के आपके स्टमक जो है वो उसमें काम करना बंद कर दिया, अगर कुछ भी खाते हैं वो हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, तो उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। आपने लाजमी करना है, फिर आप देखेंगे आपका वेट लूज जो है वो कितनी जल्दी होता, और इसको अप्रोक्सीमेटली आपने 1 मंथ करना है। तो ये तो अब हमने पी लिया, इसको अब बताते हैं कि वर्कआउट क्या करना है। तो अब आ रही है वर्कआउट की, ठीक है। तो बेस्ट जो वर्कआउट है मेरी फैट के लिए या आपके बॉडी पर जो भी फैट है उसके लिए ये सेव है, ठीक है। इसके हमें तकरीबन 10 सेट लगाते हैं, ठीक है। जो पानी नींबू पानी हमने बनाया था नींद गर्म, वो पीने के बाद हमने बाहर अगर नहीं जाना वॉक के लिए या वर्कआउट के लिए, तो हमने इसके 10 सेट लगाने हैं। तो 10 सेट कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आज अभी नहीं, ज़्यादा जल्दी है जाने की, 1 सेट पूरा होगा जब हम वापस ऊपर जाएंगे। अब हुआ हमारे पास 1 सेट। इस तरह के आपने तकरीबन 10 सेट लगाने, ठीक है। और आपने जिस दिन ये स्टार्ट करना है काम, आपने अपना वेट कर लेना है और 1 महीने बाद अपना वेट करना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका जो वेट है वो कम हुआ होगा। तो यार अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें। तो ये जो तरीका है ना ये लाजमी इम्प्लीमेंट करिएगा, इंशाल्लाह आपका वेट जो है वो लूज हो जाएगा। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वेट गेन के लिए बताएंगे, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।